हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्मोक हाउस चंडीगढ़। तो आज मेरे पास ये वेप आया आई गेट का, जो कि रिपेयर करना है और रिफ़िल भी करना है। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसको रिपेयर कैसे करना है और रिफ़िल कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको ओपन करना कैसे है। वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ईजिली ओपन हो जाता है। कईयों का हार्ड होता है, कईयों का लाइट होता है, तो खुल जाता है। ऐसे करके ओपन करना है आपने। तो गैर किसी भी डिवाइस, किसी भी टूल से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बना होता है, इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर को इसमें आप इन करेंगे और इसको स्क्रू को खोल देंगे। ठीक है, तो ये ओपन हो गया, बहुत इजीली ओपन हो जाता है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। और गैर इसको हमने पुश करना है, या फिर आप फिंगर से पुश कर सकते हैं। ठीक है, फिंगर से भी निकल जाता है, या फिर आप किसी स्क्रू ड्राइवर से आप पुश करेंगे तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम स्क्रू ड्राइवर से नहीं करते हैं तो होता क्या है कि वायर टूटने का डर रहता है। तो गैस इसकी क्या है कि इसकी वायर जो है ये टूटी हुई है, आप देख रहे होंगे ये वायर इसकी टूटी है, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था। फ्लेवर इसके अंदर फुल भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ वायर टूटी है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा। फिर भी हम चेक करेंगे और अगर रिफ़िल की ज़रूरत है तो उसको रिफ़िल करेंगे। और गैस जिन्होंने ये वेप दिया था वो कह रहे थे कि इसमें स्मोक भी ढंग से नहीं आ रहा, जलने का फ्लेवर, जलने का स्मेल सी आ रही है। तो चेक करते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये जो है ये फ्लेवर है सारा इसके अंदर। तो गैस इसमें क्या है कि ये जो है इसको यहाँ से ओपन करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो गैस ये जल चुका है, यहाँ पर जो अंदर की कॉटन है वो जल गई है, स्प्रिंग भी आपको ब्लैक बिल्कुल दिख रहा होगा क्लियरली। तो हम इसको सबसे पहले क्या है कि हम इसको क्लीन करेंगे। तो इसको क्लीन करने का जो प्रोसीज़र है वो क्या है कि सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो गैस सेंटर वाला जो उसका पार्ट है इसको हम खींचेंगे ऐसे, उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हमें इसको से रिमूव करना पड़ेगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को निकालना है। तो गैस स्प्रिंग को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसका ध्यान रखना है। पहले तो इसको थोड़ा सा बाहर से क्लीन करने की कोशिश करेंगे, अगर ये क्लीन हो जाता है तो सबसे बेस्ट है, अगर ये क्लीन नहीं होता है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो गैस आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसमें इसको रब कर रहा हूँ तो ये स्प्रिंग जो है वो थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो इसके ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक जमा था ये निकल रहा है, क्लीन हो रहा है। लेकिन क्या है कि ये अंदर से जो कॉटन है ये अभी भी ब्लैक हो रखी है। तो अगर हम इसको बाहर से जितना भी क्लीन करेंगे ये अंदर से जलेगा फ्लेवर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको ऐसा करते हैं, इसको ओपन ही कर लेते हैं। तो गैस हमने ये निकाल लिया है और इसका स्प्रिंग जो है वो थोड़ा ध्यान से निकालना है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है ये। अगर ये टूट गया तो फिर आपको कोई अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए क्या है कि इसकी कॉटन को हम घुमाकर निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान से निकालना है इसको। हमने ऐसे घुमा घुमा के निकालेंगे तो ईजिली निकल जाएगा, अगर आप डायरेक्ट खींचेंगे तो टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसको हम घुमा घुमा के सारा निकाल लेते हैं, और ये निकाल दिया है हमने। तो इसकी वायर आप देखिए कितनी पतली वायर है, क्योंकि क्या है कि जब हीट, जब ये सेल से हम ऑन करते हैं, जब खींचते हैं, तो क्या होता क्या है कि ये बर्न होता है, ये जलता है, और ये जो हमारा जूस होता है उस पर उसको वेफर बना के इसको बाहर फेंकता है। तो मतलब ये जूस जलता है स्प्रिंग से और फिर वो हमारे मुंह में आता है। और गैस ये स्मोक नहीं होता है, ये भाप होती है। देखिए धुएँ में और भाप में फ़र्क होता है, तो वो भी मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। तो गैस अब इसकी कॉटन चेंज करनी है। हमारे पास एक पुराना वेप पड़ा था जिसकी हमारे पास कॉटन पड़ी थी, ये जैपनीज़ कॉटन होती है, मैंने सुना था ऐसा, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो ये कॉटन जो होती है थोड़ी बेटर होती है नॉर्मल कॉटन से जो हम यूज़ करते हैं। तो यही कॉटन इसमें यूज़ होगी, क्योंकि जो नॉर्मल वाली होती है वो जल जाती है। तो करना क्या है, हमें इसमें से एक लेयर निकाल लेते हैं, इसकी एक लेयर निकालेंगे अच्छे से। और इसी बहुत ही मतलब सॉफ्ट होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है ये वाली कॉटन। तो उसकी लेयर हमने निकाल ली है और इसको साइड पर रख देते हैं। और अब हमने क्या करना है, तो गैस ये कॉटन को हमने हल्का सा खोल लेना है, फ्लफ़ी सा कर लेना है, ताकि ये जो है इसमें फ्लेवर अच्छे से लग जाए। और इसको अच्छे से हमने खींच लिया है, अच्छे से फ्लफ़ी सा कर लिया है। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है ये करना, जो हमें कॉटन चेंज करनी है। लेकिन ये क्या है कि है कॉटन चेंज करने के बाद आपकी वेप की लाइफ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो गैस ये जो स्प्रिंग है इसको हमें राउंड सर्कल से बनाने हैं इसके अंदर। तो रिंग्स बनाने के लिए हमें, हम किसी भी टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई विद स्क्रू ड्राइवर। तो इस पर क्या है कि हम इसको थोड़ा ध्यान से करना है, और ये क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सा होता है, ये टूटने वाली चीज़ होती है। तो ये रिंग हमने बना ली है, 3 रिंग्स इसमें बने हैं। तो
तो गैस ये इसमें ऐसे वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें पतले रिंग्स चाहिए, तो हमने ब्रश का यूज़ किया है, ये ब्रश पेन का, तो इसमें थोड़े पतले रिंग्स बन रहे हैं और क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो वेप प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो अभी हमने ये हमने रिंग्स इसके बना लिए हैं, अब इसको इसमें से रिमूव कर लेते हैं टाइट करके एकदम। और सबसे जो डिफ़िकल्ट काम है, इसके बीच में कॉटन डालना है, तो कॉटन को हमने आगे से थोड़ा पतला करना पड़ेगा इसको, ऐसे आप इसको आगे से पतला कर लीजिए। उसके बाद इसको हमें क्या करना है, इसको स्प्रिंग के अंदर डालना है, और स्प्रिंग के अंदर डालेंगे और कॉर्नर से हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे और स्प्रिंग को अच्छे से पकड़ के रखना है हमें, जो हमने स्प्रिंग टाइप का बनाया है उसको घुमा घुमा के डालेंगे तो ये इजीली डल जाएगा, खींचोगे तो टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो घुमा घुमा के हम इसको अच्छे से अंदर फिक्स कर लेंगे। तो गाइस ये फिक्स हमने कर लिया है अच्छे से, और इसको कट करेंगे, साइड साइड से इसको कट करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमने यहाँ से कट करना है ऐसे करके, तो इस साइड से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। यह थोड़ी सी वीडियो ब्लरी है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और दूसरी साइड से भी हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा, और ये हमने यहाँ से कट कर लिया है। तो गैस अभी हो गया, परफेक्टली बन गया है, अब हम इसको वेप के अंदर डालने के लिए रेडी हैं। तो गैस जो चीज़ें जहाँ से जैसे जैसे हमने निकाली थी वो चीज़ें वैसे वैसे असेंबल करनी है दोबारा, और उसके बाद इसमें हमें फ्लेवर भी फिल करना है, तो ये सेंटर में हमने डाल दिया है अच्छे से, और अब इसको हम अच्छे से ऊपर से बंद कर देंगे। और गैस इसमें एक वायर की प्रॉब्लम थी, तो उस वायर को भी हम दोबारा से ठीक करेंगे, जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा था, तो वायर को थोड़ा सा छील लेंगे यहाँ से, और ये जो वायर है इस वायर को हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर। तो गैस अभी मैं इसको परमानेंट फिक्स नहीं कर रहा हूँ, टेम्प्रेरी फिक्स कर रहा हूँ वीडियो के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा परमानेंट इसको फिक्स करूँगा। तो गैस हमने इसको फिक्स कर लिया है, और अब फिक्स हो गया अच्छे से, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि निकले ना, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये वर्किंग है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर से अब हमने क्या करना है, ये स्टिकर दोबारा से लगा देना है जो स्टिकर इस पे लगा हुआ था, ताकि कुछ स्पार्क ना हो बीच में। और ये जो है यहाँ पर हमें फ्लेवर फिल करना है, तो फ्लेवर इसके लिए हम क्या करेंगे, पुराना वाला हमारे पास एक वेप पड़ा था उसका फ्लेवर निकालेंगे। तो उसको निकालना कैसे है गाइस, इसको उसके अंदर डालना है और इसको खींचना है, ठीक है। तो उसको प्रेस करना है बॉटल को, और बॉटल को प्रेस करके अंदर डालना है, और अंदर डाल के इसको खींचना है। तो ये खींचने से क्या होगा कि फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाता हूँ, ये देखिए दिख रहा होगा आपको इसमें। या फिर गैस अगर आपको ये तरीके से थोड़ा टाइम लग रहा है फ्लेवर निकालने में, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको करना क्या है कि आपको इसको ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद फ्लेवर वाली कॉटन भी निकाल लेनी है, और उसको हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस करके इसका जितना भी वो है फ्लेवर है सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये बहुत ईजी वे है निकालने का, बहुत जल्दी आपका जो है आपका फ्लेवर इसके निकल जाएगा। तो गैस काफ़ी सारा फ्लेवर हमने निकाल दिया है, इसकी कैप दोबारा लगा देते हैं और इसका फ्लेवर जो है रिफ़िल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें अच्छे से आपको रिफ़िल करना है, बहुत सारा फ्लेवर भी नहीं डालना है क्योंकि वो लीक हो जाता है। तो और आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें फ्लेवर लगाना है, सेंटर वाले में भी आपने लगाना है, ड्रॉप्स बहुत सारी मत डालिएगा, थोड़ी बहुत ड्रॉप्स आपने डालनी है। गैस ये हमने अच्छे से रिफ़िल कर दिया है, और इसके ऊपर का जो फ्लेवर का जो पार्ट था उसको हमें इसके ऊपर लगा देना है। ये स्पॉन्ज जो है इसको इस पर फिक्स किया अच्छे से, और इसके ऊपर हमने करना क्या है, इसके ऊपर कैप लगानी है अच्छे से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली जो अंदर वाली कैप है उसको उससे बंद करके रखना है, तो ये बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। तो ये बंद हो गया है, तो अभी इसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम इसकी कैप लगाते हैं, जो इसके साथ प्लास्टिक की कैप होती है, इसको लगा दिया है हमने ताकि लीक ना हो फ्लेवर, और नीचे से जो है इसको टाइट कर देना अच्छे से, और ऊपर से भी हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो गैस ये जो कैप इसके ऊपर की थी, कैप हमने इसके ऊपर लगा दी है, अब ये अच्छे से फिक्स हो गया, तो हमारा वेप तैयार हो गया दोबारा से बिल्कुल नए की तरह। तो गैस मुझे नहीं लगता किसी ने इतनी डिटेल में वेप को रिपेयर करने की वीडियो बनाई है। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और डाल देंगे ताकि हमें हमारा जो है ये दोबारा से 2500 पफ या फिर 1800 पफ का ये था, तो 1800 पफ हमें दोबारा से प्रॉपरली मिले, तो उसको अच्छे से रीफ़िल कर लेंगे। तो उसको रीफ़िल कैसे करना है, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो इस वीडियो में आपको उसका जवाब भी मिल गया होगा। और गैस इसको अंदर डाल के पूरा अच्छे से इसको रीफ़िल करना है, ताकि हमें बार बार इसको रीफ़िल करने की ज़रूरत ना पड़े, और एक बार में ही हमें इसका जो है 1800 पफ का हम को इन्जॉय कर सके।
तो गैज़ अब इसकी कैप हम दोबारा से लगा देते हैं, अच्छे से इसकी कैप लगानी है, टाइट होनी चाहिए गैज़ क्योंकि लीक होने के चांसेस होते हैं अगर ये टाइट नहीं होगी। तो इसको अच्छे से बंद करना है, और इसको बंद कैसे करना है ये तो आपको पता ही है, जैसे खोला था हमने वैसे ही इसको बंद करना है। तो गैज़ इसको अंदर से पुश मारना है अच्छे से, और उसके बाद इसको बंद कर दिया है। अब ऊपर की कैप भी हमने लगा दी है, और नीचे की कैप भी जो है हमें अच्छे से इसकी कैप लगा देनी है, ऊपर वाली जो है पुश करना है क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है बंद करने में, और नीचे की कैप भी हमने लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसका फ्लेवर कैसा आ रहा है, और फिर आपको बताते हैं कि स्मोक है भी कि नहीं आ रहा है। तो गैस बहुत बढ़िया स्मोक आ रहा है, और ये वेप जो है पहले जैसा नया बन चुका है अब। तो गैज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। जब भी आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं किसी के ये हेल्पफुल रहा, मेरी जो वीडियो है ये काम आ गई। तो गैज़ स्मोक देखते हैं दोबारा इसका, वाह क्या स्मोक आ रहा है यार, इसमें बहुत बढ़िया स्मोक आ रहा है भाई, बिल्कुल नए की तरह हो गया है, बिल्कुल नए जैसा, बिल्कुल वैसा हो गया जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था, बिल्कुल वैसा हो गया है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ उसके बारे में बताइए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। और थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।